इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं BSNL, प्यारी जोड़ी का कमाल, मोबाइल से मनचाहे BSNL लैंडलाइन पर करें मुफ्त कॉल, और अर्ली यूनिवर्सिटी, ब्रिंगिंग एम्बिशन इन लाइफ। रतिया में चुनावी पारा चढ़ा, आरोप प्रत्यारोप और सरपंचों की जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे पार्टी उम्मीदवार। स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र की अपील, प्रदेश को खसरा मुक्त करने की दिशा में काम करें चिकित्सक। और वर्ल्ड डायबिटीज डे आज, दिल्ली के बालाजी अस्पताल के डॉक्टरों ने निकाली जागरूकता रैली। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। अब खबरें विस्तार से। रतिया में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने इनेलो पर खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, तो इनेलो ने कुलदीप बिश्नोई के राजनेता होने पर ही प्रश्न उठा दिया है। रतिया में हर दिन के साथ नेताओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं। हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने रतिया से हजका बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार महावीर प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार करते हुए इनेलो पर जमकर वार किए। कुलदीप बिश्नोई ने इनेलो पर चुनावों में वोटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। 5,000 रुपए पर वोट के तक पहुंच गए। आदमपुर हल्के के लोग शाने हैं, उन्होंने कहा भाई राव का बात तुम्हारा रखा है, जुटा लेने रुपया भी ले लिया, वोट भी खोल दिया। भाई शाने को दिखाइए, भाई तो मैं जानू सब सारे भरे पूरे परिवार के आप साथी है, आप सब ने भाइयों बहकावे से यहाँ जुटाला परिवार का, क्योंकि इनका पतन तय है। कुलदीप बिश्नोई पर पलटवार करते हुए इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक राजनेता के तौर पर कुलदीप बिश्नोई का कोई वजूद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई को राजनीतिक आदमी नहीं है। कुलदीप बिश्नोई का रतिया विधानसभा क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं, ना उन्हें कोई जानता है यहाँ पर। ये तो ठीक है, एक दाव लग गया, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन दे दिया अजय सिंह को हराने के लिए, अदरवाइज तो वहाँ भी उसकी जमानत जब्त होती। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने दोनों विरोधी दलों पर आक्रमण करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टी नहीं दुकानें हैं। दोनों परिवारों के राज्य पार्टी थोड़ी है, वो शहादत की दुकान होती है। ओम प्रकाश लाल एंड सन ग्रैंड ग्रैंडसन प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह भजन लाल एंड सन प्राइवेट लिमिटेड, पार्टी तो कांग्रेस। नेताओं के तीखे होते बयान जाहिर करते हैं कि एक दूसरे को जवाब देने में कोई पार्टी पीछे नहीं है, लेकिन नेताओं को ये भी याद रखने की जरूरत है कि बयानबाजी से ज्यादा जनता को विकास की दरकार है। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर के साथ प्रवीण गौतम। रतिया की जनता विकास में कमी के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति को जिम्मेदार मानती है। लोगों की शिकायत है कि गांव के सरपंचों या वार्ड के पार्षद चुनाव के मौके पर इलाके की समस्याओं को नजरअंदाज कर अपने स्वार्थ साधने में जुट जाते हैं। रतिया की सड़कें खस्ता हाल है, पार्कों में पशु आराम फरमाते हैं, अस्पताल को सुविधाओं का इंतजार है, तो हल्के के गांव भी विकास की राह देख रहे हैं। लेकिन पार्टियों का ध्यान आम आदमी से ज्यादा सरपंचों के मैनेजमेंट पर है। चुनावी रूप तय करने में सरपंचों की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इनेलो भी सरपंचों को पटाने में जुट गई है। हल्के के लोग जोड़ तोड़ की राजनीति को ही पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जो विकास ने उस चीज का, तो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, जहाँ इस वजह से भी कोई विकास नहीं हुआ, लोगों को तो मैसेज ये देना चाहेंगे, अच्छा कैंडिडेट देखें जो इलाके का विकास करवा सकता हो। चुनाव में सरपंचों की इतनी अहमियत हल्के का विकास भी करा सकती है, लेकिन लोगों का मानना है कि ज्यादातर सरपंच सिर्फ अपना हित साधते हैं और जनता की सोचने की बजाय स्वार्थ की राजनीति में ही दल बदलते रहते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जुगाड़ की राजनीति में विकास के लिए लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। यहाँ के जो भी युवा यंग है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी समझदारी से वोट दें, भी हमारा नेता पढ़ा लिखा हो। सरपंचों के जोड़ तोड़ की राजनीति में हल्के का ज्यादा विकास नहीं हो पाया। इस बार भी सभी पार्टियां सरपंचों की रखवाली में तैनात हो गई हैं।
रतिया में जब भी चुनाव आता है तो गांव के सरपंच अपना जुगाड़ फिट करने में लग जाते हैं और पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में, क्योंकि ये सरपंच सुबह किसी पार्टी के साथ होते हैं तो शाम को दूसरी पार्टी के साथ। और लोगों की शिकायत है कि सरपंच मैनेजमेंट में विकास का मुद्दा पीछे छूट जाता है। ये सरपंच अपना जुगाड़ तो कर लेते हैं लेकिन रतिया के विकास का नहीं। कैमरामैन संजीव और सहयोगी अशोक ग्रोवर के साथ प्रवीण गौतम, हरियाणा न्यूज, रतिया। वहीं चुनावी दौर के चलते सभी पार्टियों ने रतिया की तस्वीर बदलने के दावे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और इनेलो रतिया के पिछड़ेपन के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रतिया में उपचुनाव का प्रचार शुरू हुआ तो विकास के नाम पर सियासत भी शुरू हो गई है। भले ही अब तक इस हलके में इनेलो का दबदबा रहा हो लेकिन इनेलो नेता जनता को ये समझाने में लगे हैं कि रतिया के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस का सुरवार है। जबकि कांग्रेस विकास के लिए सत्ता में साझेदारी का नारा दे रही है, पार्टी अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने इनेलो पर वार करते हुए कहा कि न तो रतिया के विधायक ने कभी विकास के लिए आवाज बुलंद की और न ही उनकी पार्टी ने। यहाँ से क्या मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोक दल के विधायक हैं, कोई भी तो विधानसभा में नहीं बोलता कि ओम प्रकाश चौटाला अभी चलो कथा वॉकआउट करो, कुर्सी बंद करो, कैसे बोलता है एमएलए को भी बोलने का भी तरीका, सारे ही जिम्मेवार हैं, वो विकास नहीं जाते। चुनाव में विकास के नाम पर सियासत होनी लाजमी है लेकिन रतिया में विकास तब होगा जब यहाँ के लोग भी विकास के लिए प्रयासरत होंगे। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर के साथ प्रवीण गौतम। आगे बढ़ते हैं। खसरा टीकाकरण अभियान के जरिए चिकित्सक प्रदेश को खसरा मुक्त करने की दिशा में काम करें, ये अपील स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र ने भिवानी में चिकित्सकों से की। स्वास्थ्य मंत्री यहां नीमा ग्रामीण के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही चिकित्सकों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विकास के नाम पर रतिया और आदमपुर की जनता से कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। अब समय है ब्रेक का, बुलेटिन में आगे देखेंगे। सिरसा में गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि गोविंद कांडा के सम्मान में कार्यक्रम, और वर्ल्ड डायबिटीज डे आज, दिल्ली के बालाजी अस्पताल के डॉक्टरों ने निकाली जागरूकता रैली।